तो हेलो बच्चों, स्वागत है आज का इस क्लास में। तो आज हम लोग बात करेंगे जो है आर्टिकल जो मैंने पढ़ाया था अगली क्लास में, तो आज उसकी प्रैक्टिस करवानी है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कल जो हमने एएन का प्रयोग पढ़ा था, यूज़ पढ़ा था, आज उसी की जो है प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे कि अगर जो है मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, मान लीजिए कि कहाँ पर ए का यूज़ होगा और कहाँ पर एन का। जैसे आपको कोई एक वर्ड दिया जाए, मान लीजिए आपको एक वर्ड दिया गया जो है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। तो इसमें आपको पहला अक्षर जो है वो काहे से स्टार्ट हो रहा है ये देखना है। उसके बाद जो है मतलब उस अक्षर रिकॉर्डिंग क्या लगेगा, जैसे आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि जो आ से लेकर पूरे वर्ड आहा तक होंगे तो इनमें क्या लगेगा, हमेशा एन। और जो का से लेकर पूरे ज्ञा तक होंगे इनमें क्या लगेगा, ए। तो सेम वैसे ही अगर आप देखें यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो ऑनेस्ट काहे से आप चालू होगा, आ से। तो आ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा भाई, एन। उसके बाद अगला अक्षर देखिए आप, अगर यूनिवर्सिटी, UNI VERSITY, यूनिवर्सिटी, काहे से चालू हो रहा है, या से। तो आगे क्या लगेगा भाई, ए, क्योंकि या के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, देखिए का से ज्ञा तक में आ रहा है, ए। सेम वैसे ही अगर आप देखें भाई अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आगे क्या लगेगा, आ रहा है यहाँ पर, तो आ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, एन। बात समझ में आ रही। उसके बाद अगर देखें आप भाई, अम्ब्रेला हो गया, फिर ऐसे अगर हम लेते हैं मान लीजिए MLA, तो काहे पे चालू हो रहा है, ए से एडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा भाई, एन लगेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, मान लीजिए आता है FA, तो आगे क्या है, ए से एडी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एन। ऐसे ही देखिए भाई, से अगर आता है वुडन, WODDEN वुडन, उसके बाद TABLE टेबल, वुडन टेबल। अब इसमें कन्फ्यूजन है बच्चों को, जैसे यहाँ पर लिखा है वुडन टेबल, एक पढ़ रहा सर ये वुडन टेबल है, एक पढ़ रहा सर ये वुडन टेबल है, तो आप बताएं भाई इसमें क्या पढ़ा जाए। तो ध्यान रखेंगे इसको वुडन नहीं, W से बनता क्या है, वा, तो इसलिए क्या सही होगा इसका, वुडन। क्या सही होगा, वुडन। तो वुडन के अकॉर्डिंग वा रहा, तो वा वाला किस में, का से लेकर क्या तक में है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, लगाएंगे यहाँ पर ए। और सुन मारे कि नहीं, ऐसे ही और देखते हैं भाई। इसे मान लीजिए हमें लेना है FG कॉलेज, इसी का फुल फॉर्म भी नीचे ले लेते हैं, जो होगा फिरोज गांधी कॉलेज। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर FG आया हुआ है, ACND से चालू होगा, तो ACND के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पर, एन। और ये जो F से चालू हो रहा फिरोज, फा से चालू हो रहा ना फा, तो फा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, एन। दोनों एक ही हैं, उनका फुल फॉर्म है सिर्फ, बट डिफरेंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं भाई अगला। जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया गया है यूटेंसिल्स, अब यहाँ पर भाई या से चालू हो रहा, क्या लगाएंगे आप, ए। बात समझ आ रही नहीं। उसके बाद आगे दिया गया आपको मान लीजिए ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर्स, इसमें ट्रा के देखिए इसमें क्या होता है कि लास्ट में एस आया हुआ है, तो ट्राउजर्स जो है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग अब ट्राउजर प्लूरल है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और ऐसी वस्तुएं जो बहुवचन होती हैं, ऐसे शब्द जो बहुवचन होते हैं उनमें ए एन दा में कुछ नहीं लगता। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने लिख दिया सीजर्स, स्पेलिंग आगे एस पीछे एस, बीच में SS, आगे CI पीछे OR, ये बन गई सीजर्स की स्पेलिंग। ठीक है, ट्रिक है याद करने की, है ना, सीजर्स स्पेलिंग। उसके आप सीजर्स में देखो भाई, बहुवचन है, तो सीजर्स अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, कुछ नहीं, ए लगना चाहिए, सात चालू हो रहा, लेकिन एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया जो है काऊ, का, तो का चालू हो रहा, का से, तो का के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, ए। वैसे देखिए यहाँ पर आवर, मैंने चालू किया HOUR आवर, आवर माने क्या होता है, घंटा, यहाँ पर का चालू हो रहा, आ से, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, आ पे चालू हो रहा ना, तो आ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लेंगे, एन। बिल्कुल ऐसे ही देखिए अगर, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी, क्या हो गया यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, यूनिटी, यूनिटी देख लेते हैं, यूनिटी, यूनिटी के अकॉर्डिंग या आ रहा है यहाँ पे, तो या के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो या किस में चालू होता है भाई, मैंने बताया ए वाले में से, ठीक है,
तो आज की इस क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं।